नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए शुरू हुआ सर्वे। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे में पोषण, पीने का पानी, घर और कुकिंग फ्यूल जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि इन सुविधाओं तक देश में कितने लोगों की पहुंच है। कुछ वर्षों पहले तक सरकार ने गरीबी रेखा का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, पर गरीबों की संख्या और गरीबी का स्तर पता लगाना सरकार के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं बनाने के लिहाज से जरूरी होता है। सी रंगराजन समिति की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों की संख्या में 10 करोड़ की बढ़त का अनुमान दिया था। कमेटी ने इसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आधार बनाया था। उसके अनुसार देश में गरीबों की संख्या 36.3 करोड़ यानी कुल आबादी का 29.6% है। यह आंकड़ा सुरेश तेंदुलकर समिति की पिछली रिपोर्ट में 26.98 करोड़ यानी कि कुल आबादी का 21.9% था। हालांकि एनडीए सरकार ने 2014 की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गरीबी सर्वे के लिए फील्ड वर्क करेगी। नीति आयोग को देश और राज्यों के प्रदर्शन पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। सर्वे के नतीजे UNDP के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI में शामिल किए जाएंगे। इस सूचकांक में देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर के आधार पर रैंक दिया जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार पॉवर्टी की परिभाषा में कम आमदनी, खराब स्वास्थ्य, हिंसा का खतरा और कामकाज की बुरी स्थिति जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। UNDP का MPI स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूली पढ़ाई के लिए कुल वर्ष, नामांकन और रहन सहन का तरीका, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, जमीन, संपत्ति जैसी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करता है। नीति आयोग और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हाल ही में बैठक में गरीबी का आकलन करने के लिए कार्य प्रणाली तय की गई थी। सर्वे के परिणाम के मुताबिक नीति आयोग एक गरीबी सूचकांक तैयार करेगा। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाना है। इस तरह देश की UN पॉवर्टी इंडेक्स में रैंकिंग भी सुधरेगी। देश दुनिया से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए जेड न्यूज़।